कपूर की गुजर जाने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में शोक का माहौल छाया हुआ है। कपूर खानदान पर एक बार फिर से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। दरअसल जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीते 9 फरवरी के दिन राजीव कपूर ने 58 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने की वजह से दुनिया को अलविदा कह दिया। कपूर परिवार बेहद दर्द भरे दौर से गुजर रहा है, वहीं फिल्म इंडस्ट्री के सितारे भी सदमे में हैं। ऐसे में देखा जाए तो राजीव कपूर, जिन्होंने एक्टर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के तौर पर अपनी खास पहचान बनाई थी, वहीं राजीव कपूर के गुजर जाने के बाद उनकी जिंदगी से जुड़े कई बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। राजीव कपूर ने अपने इंटरव्यू में कई सारी बातें शेयर की थी। राजीव कपूर ने अपनी जिंदगी को लेकर अपने इंटरव्यू में कई बड़े खुलासे भी किए थे। वहीं राजीव कपूर जहां एक ओर अपनी फिल्म राम तेरी गंगा मैली के जरिए ही रातों रात स्टार बन गए थे। साल 1985 में ये फिल्म रिलीज हुई थी और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था बॉलीवुड के शोमैन राज कपूर ने। राज कपूर ने अपने छोटे बेटे राजीव कपूर को लिया तो वहीं इसी फिल्म के जरिए रातों रात स्टार बन गई अभिनेत्री मंदाकिनी। इस फिल्म के बाद राजीव कपूर कई फिल्मों में नजर आए। राजीव कपूर की शानदार एक्टिंग को पसंद किया गया तो वहीं राजीव कपूर की फैन फॉलोइंग भी जबरदस्त होती हुई नजर आई। लेकिन राजीव कपूर की तुलना होने लगी थी उनके चाचा शमी कपूर से। शमी कपूर, जिन्होंने अपनी एक्टिंग, अपने एक्सप्रेशन के जरिए ही फैंस के दिलों पर जमकर राज किया था। शमी कपूर आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन शमी कपूर को आज भी उनके फैंस बेहद याद करते हैं। ऐसे में गौर किया जाए राजीव कपूर के फिल्मी करियर की तरफ तो राजीव कपूर ने अपने फिल्मी करियर में महज कुछ ही फिल्में की, लेकिन राजीव कपूर को फिल्म इंडस्ट्री में सफलता हासिल नहीं हो पाई एक एक्टर के तौर पर, और बाद में उन्होंने रुक कर लिया डायरेक्शन की तरफ और प्रोड्यूसिंग की तरफ। लेकिन हमारी इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिरकार उनका करियर क्यों फ्लॉप हुआ। इस बात का खुलासा खुद शमी कपूर ने अपने एक इंटरव्यू में किया था। शमी कपूर ने अपने इंटरव्यू में कहा था, राजीव कपूर की शुरुआत बेहद गलत तरीके से हुई। वह शुरुआत से ही मेरी कॉपी करने की कोशिश किया करता था। इतना ही नहीं, शमी कपूर ने अपने एक इंटरव्यू में ये भी बताया था कि लोग कहते थे कि ये शमी कपूर है। राजीव कपूर भाग्यशाली नहीं था, बतौर एक्टर बेहद अच्छा था, पर उसका करियर आगे नहीं बढ़ पाया। और इस तरह से राजीव कपूर को लेकर बड़ा खुलासा किया था उनके चाचा मशहूर एक्टर शमी कपूर ने। शमी कपूर आज हमारे बीच नहीं है, तो वहीं राजीव कपूर भी इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुके हैं। राजीव कपूर ने भी अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि बहुत से ऐसी फिल्म निर्देशकों ने अक्सर मेरे किरदारों को वैसा ही बनाया जैसा उन्होंने शमी कपूर के लिए बनाया था। ये वे निर्देशक थे जो पहले शमी अंकल के साथ काम कर चुके थे। राजीव ने ये भी बताया कि चाचा शमी कपूर की लाइफस्टाइल और उनकी एक्टिंग के लोग बेहद बड़े फैन हुआ करते थे। वहीं राजीव के मुताबिक ये भी सामने आया कि शमी कपूर का हमशक्ल होने की वजह से वह कुछ नया नहीं कर पाए और अपनी क्षमता को तराशने के पीछे लगे रहे। राजीव का मानना था कि उन दिनों में उन्हें इन चीजों की उतनी समझ नहीं थी और इसी वजह से वह किरदारों का सही चयन नहीं कर पाए थे। राजीव कपूर ने फिल्म इंडस्ट्री में कई बेहतरीन और सुपरहिट फिल्में दी, लेकिन बावजूद इसके राजीव कपूर बतौर एक्टर के तौर पर खास पहचान नहीं बना पाए थे। लेकिन बाद में राजीव कपूर ने बतौर एक्टर, बतौर प्रोड्यूसर कई बेहतरीन और सुपरहिट फिल्में दी। हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।